आवाज आ रही वॉइस? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, यस सर, आ रही सर आवाज। हाँ चलो। वो इससे पहले क्या लिखना पड़े थे ग्रामर में, आप याद है? ग्रामर में 3 लेसन पढ़ा दिया गया हमें, पोजेसिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गए। ग्रामर स्टार्ट कर रहे थे ना, याद है ना? याद है? हेलो, ग्रामर में पोजेसिव फ्रेज, मुरकब इजाफी, मुरकब तौसीफी पढ़े ने? पढ़ लिया ना? हेलो, बोलिए, ग्रामर कहाँ तक पढ़े हैं? हेलो, हेलो, ग्रामर कहाँ तक सिंगुलर तक हो गया था, सिंगुलर जी? कहाँ तक हुआ? प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल हो गया था। अच्छा, उसके बाद का लेसन स्टार्ट करता हूँ मैं अभी, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल के बाद का लेसन अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलिए, अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, सिंगुलर प्लूरल के बाद का लेसन क्या है? अल्लाह, सिंगुलर प्लूरल के बाद में डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सिंगुलर प्लूरल की एक्सरसाइज भी उससे पहले पढ़ा दिया था मैं। अब नेक्स्ट लेसन है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन या अस्माए इशारा। थर्ड लेसन है, वो फोर्थ लेसन है, सॉरी, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, एक बात यहाँ आपको ये बोलना है कि जूनियर का आपको जो है मिड टर्म एग्जाम होगा आपका, जूनियर एम्स है, JL 40-41, वो है 1 जनवरी। कब है वो आप लोगों का मिड जनवरी टर्म एग्जाम? है 1 जनवरी को अरबी का। हाँ हाँ 1 जनवरी, जनवरी 1 जनवरी। अभी कितने 15 दिन है करीब, आज 14 है ना? तो उसमें जो है आपको, जैसा कि मैं क्वेश्चन बोले तो एक बार पूरे बच्चे आंदो अभी, या फिर लास्ट में बता दूंगा क्वेश्चन यस सर, ये। लास्ट में हाँ, बोल रहे। लास्ट में बोल देंगे। जैसा कि ग्रामर है, ग्रामर में टोटल 6 है ना, इसमें ये 3 लेसन, 2 या 3 लेसन रखेंगे बस, है ना? 3 लग देंगे ये। अब जितने पढ़ाया मैं, वर्ड एंड इट्स काइंड्स, और वर्ड एंड इट्स काइंड्स, और ये सेकंड मुदक्कर मोनस, और सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल, है ना? ये 3 लेसन। और पोएम में सिर्फ 2 पोएम, अल्लाहुम्मई तलाल बद्रु अलैना। लेसन में भी 2 लेसन, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना? और सूर्य भी 2 सूर्य, पहले 2 सूर्य। और ग्राम क्वेश्चन ना डिटेल में 4 है जी। क्वेश्चन जी क्वेश्चन, सर, आप हम लोग सिर्फ नॉन डिटेल और क्या सो वो कराए ग्रामर। हाँ, लेसन और कोई पोएट्री नहीं पढ़ाए? लेसन और पोएट्री नहीं हुई? पोएट्री पोएट्री नो, पोएट्री सूर्य ना हो सर। पोएट्री सूर्य नहीं हुई, अच्छी बात है। काम करेंगे पोएट्री और सूर्य। अब ये मैं जितना पढ़ाया, ये सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल तक ये आ जाएगा, किसमें? मिड टर्म में 3 लेसन पढ़ा देना ग्रामर के, 3 हो गया ना? इसके बाद का यस लेसन पढ़ाने के बजाय, इसके बाद का लेसन पढ़ाने के बजाय क्या करता हूँ मैं, सूर्य नहीं पढ़ाया बोले ना आप, सूर्य पढ़ाया, सूर्य। अच्छा, शमाइल नबी पढ़ाया, शमाइल नबी, एट्रीब्यूट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सर, अलहिवा, हाँ, द कन्वर्जेशन, लेता कन्वर्जेशन, से एक भी कन्वर्जेशन। हाँ, लेसन नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो अब मैं प्रोज स्टार्ट करता हूँ जिसमें सूर्य है। सूर्यों से पहले कुरान करीम का एक लेसन है, 2 सूर्य में पढ़ाता हूँ, वो 2 सूर्य आपको एग्जाम में आएंगे। पहला सूर्य कुरान के सालों से सुनिए, अल कुरान करीम हुआ आखिरु कलाम सुभान अल्लाह ताला, हाँ सुभान अल्लाह ताला,
नज़ला अला हल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवासितति जिब्राइल अलैहि सलाम की तिलावत इशरीन आमन नजमन नजमन। कुरान करीम आखिरी कलाम है अल्लाह ताला का जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर पर नाजिल हुआ और जिस बज़रिए जिब्राइल अलैहि सलाम थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ है ना। होली कुरान इज़ द लास्ट एंड फाइनल वर्ड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह विच वॉज रिवील्ड टू द ब्लेस्ड हार्ट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू जिब्राइल मे पीस बी अपॉन हिम ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब सेकेंड पैरा सुनिए, ये कुरान के ताल्लुक से पहले ये है, ये ना पहले बयान है बाद में फिर सूरह। कुरान मजीद हुआ नूर और शिफा। कुरान मजीद नूर है, शिफा है, हुदन हिदायत है, रहमतुन रहमत है, बुशरा और खुशखबरी है, लिल जमी फॉर ऑल, वल अमल बिही फौजुन और जो अमल करेगा उसके लिए कामयाबी, फलाहुन कामयाबी, फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया आखिरत में, वल गफलतु अगर कोई गफलत करेगा अनहा इससे खसारा तो नुकसान में है, फिर दारैन है ना। होली कुरान इज एलिमिनेशन हीलिंग गाइडेंस आउटराइट मर्सी एंड हार्ड बिंगर ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स फॉर वंस फॉर वन एंड ऑल एक्टिंग अपॉन इट guarantees success in this world and in the hereafter being heedless about it is a recipe for disaster and loss in both worlds. Quran Sharif mustamilun ala 114 surah paper ka poem likhne ka kya bole pura paper ka poem hai na sir 4 stanza ka सर। बारे में थोड़ा पहले बयान है बाबा, इसके बाद मैं सूरह पढ़ाता हूँ, सूरह फातिहा सुने। ये कुरान के बारे में थोड़ा सुन लो पहले, दो थोड़ा सा है, इसके बाद में यहाँ से सूरह फातिहा शुरू करा। ये अभी नहीं शुरू करा, सूरह नहीं शुरू करा अभी, खाली कुरान के ताल्लुक से थोड़ा बयान है वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कुरान शरीफ मुश्तमिलुन अला 114 सूरत वअव्वलुहा सूरत फातिहा व आखिरुहा सूरतुन नास। पहली सूरत फातिहा है और आखिरी सूरह नास। फातिहतुल किताब मुकदमा है कुरान करीम का और दुआ है मिनल अब्द ज़ईफ कमज़ोर बंदे की इला रब्बिल जलील ने रब्बे जलील की तरफ से। बखिया सूरह अय्यू 113 सूरत जवाब है लिहाजा दुआ मिन अबनल अब्दी है ना। बुरे के द होली कुरान बच्चे कब तक आ रहे समझ में आया, आगे देखिए। The Holy Quran comprises of 114 chapters called Surah. The first Surah is Surah Al-Fatiha and the last one is Surah Nas. The Fatiha is the foreword to the Holy Quran. It is a supplication on part of a weak slave to the Lord Almighty and the remaining 113 chapters are a reply to this supplicating of the worshippers. وفي هذا الدرس in this lesson mein nadrusu hum padhenge we study Surah Fatiha. In this lesson, we study Surah Fatiha, वो सलासा सुवरीन और इसके साथ सूर्य और भी तीन सूर्य सूर्य फातिहा के अलावा वो है सूर्य असर और असरी और सूर्य कौसर, छोटे छोटे सूर्य, सूर्य असर छोटा सूरा है, सूर्य कौसर भी छोटा है और सूर्य अखलास, यानी सूर्य फातिहा के अलावा सूर्य असर भी है, सूर्य कौसर भी है और सूर्य अखलास। अभी मैं आपको क्योंकि एग्जाम करीब होने की वजह से सूर्य फातिहा सूर्य असर पढ़ाया था, हाँ उसके बाद में दो लेसन भी पढ़ा के पोएट्री पढ़ाया तो हो जाता, नाइन डिटेल तो सुने ना आप लोग, नाइन डिटेल पढ़ लिए है ना। इन दिस लेसन वी विल स्टडी सूरह फातिहा एंड थ्री सूरह ऑफ द होली कुरान नेमली सूरह असर, सूरह कौसर एंड सूरह इखलास। अब आइए सूरह फातिहा यहाँ से शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु माने ऑल प्रेज लिल्लाहि फॉर अल्लाह, रब्बिल आलमीन हु इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का रब है या पारनहार है या परवरदिगार है ना। तो बी अल्लाह ऑल द प्रेजेस एंड थैंक्स बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ अभी। उसके बाद में है अर रहमान रहीम। अर रहमान रहीम यानी बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अर रहमान रहीम के माने हैं बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है और उसको बोलेंगे द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। बेहद मेहरबान द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल और रहीम मालिक यौमिद्दीन ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। हाँ क़यामत के दिन का मालिक है द ओनली ओनर द ऑफ द डे ऑफ जजमेंट।
या का नाम दो, यू अलोन वी वर्शिप, या का नस्ताइन एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। तो अकेला है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तू अकेला है हम तुझी से मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, सीधा हमको सीधा रास्ता बता, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। सिरातल लजीना नमता अलैहिम, ऐसे लोगों का रास्ता दिखा मत दिखा जिस पर तेरा गजब हुआ, वरील मखजूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिम, और जो गुमराह हो गए भटक गए ऐसे लोगों का रास्ता मत बता। द वे ऑफ दोज ऑन होम यू हैव बेस्टोर्ड यूर ग्रेस, नॉट द वे ऑफ दोज हु अर्नड ऑफ यूर एंगर, मखजूब एंगर, अल्लाह ताला गुस्सा हुआ, जैसा कि फिरौन है, जद्दाद है, बड़े बड़े जो ईमान लाए, एंगर नॉट ऑफ दोज हु वेंट एस्ट्रे, जो गुमराह हो गए भटक गए, है ना, नमरूद है ऐसे ऐसे बादशाह। तो ये ट्रांसलेशन था, अब आइए इसका समरी जो इंग्लिश में आपको आती, आप लिखना रहता एग्जाम में, वो एक बार सुन लो। क्या है, द होली कुरान हैज 114 चैप्टर्स नोन एज सूरास, होली कुरान 114 चैप्टर्स नोन एज सूरास, सम आर बिग एंड द अदर्स आर स्मॉल या शॉर्ट, दिस सूरा अल फातिहा इज द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान विच मीन्स द ओपनिंग, दिस इज नॉट ओनली द ओपनिंग ऑफ द बुक बट ऑल्सो द डोर टू ए हैप्पी लाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर। सूरा अल फातिहा इज ग्रेटेस्ट, हाँ बोलिए। इसमें से क्या आती है मतलब, ये पैराग्राफ लिखना है मतलब, समरी लिखना, अगर आयते आए तो ट्रांसलेशन लिखना, आयते नहीं आती समरी लिखना आता, समरी लिखना, ये समरी जो मैं बोल रहा हूँ सिक्स मार्क्स में आती ये, अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर आते आए तो, या फिर मैं बाद में बताता हूँ इसके एक्सरसाइज, अभी तो समरी आप सुन लो, आयते तो नहीं आती आपको, समरी आती। सूरह फातिहा इज द ग्रेटेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, इट इज नोन बाई मेनी अदर नेम्स, द मोस्ट फेमस नेम इज उम्मुल किताब, जो बहुत मशहूर नाम है सूरह फातिहा का वो है उम्मुल किताब, मीन्स मदर ऑफ द बुक, उम्मुल किताब के माने क्या है, मदर ऑफ द बुक। सर बोलो, ये समरी इंग्लिश में लिखने का आ रहा था ना, ओ नो अदर रिवील्ड बुक हैज ए सूरा लाइक दिस, सूरा अल फातिहा इज ए प्रेयर गिवन टू अस बाई बाई अल्लाह सुबहाना हो ताला, है ना। नेक्स्ट पैरा लिसन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फॉर्म्ड अस अबाउट दिस सूरा, अल्लाह सुबहाना हो ताला सेज आई हैव डिवाइडेड अप दिस सूरा इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट हाफ ऑफ इट इज फॉर मी, द फर्स्ट हाफ ऑफ इट इज फॉर मी एंड द सेकेंड हाफ इज फॉर माई सर्वेंट, सर्वेंट यानी अपन ये बंदे हैं, वाट एवर माई सर्वेंट आस्क मी फॉर समथिंग इट विल बी गिवन टू हिम, वेन द सर्वेंट रिसाइट्स कुरान प्रेजेस बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह सुबहानो ताला सेज माई सर्वेंट हैज प्रेज मी वेन रिसाइट्स द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल रहमान रहीम, अल्लाह सुब्हान तआला सेज माय सर्वेंट हैज ग्लोरीफाइड मी व्हेन ही सेज द होली द ओनली ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह सुब्हान तआला सेज माय सर्वेंट रियलाइजेस मी रियलाइजेस माय ग्रेटनेस व्हेन व्हेन द सर्वेंट सेज यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के माने, अल्लाह सुब्हान तआला सेज This verse is common between me and my servant. This verse is common between me and my servant. ये verse जो है common है मेरे और बंदों के दरमियान, है ना, या का नाम तो भैया। The first part praises me and the second part asks for my help. My servant will get whatever he has asked for. Last prayer. When the servant recites, guide us to the straight path. Guide us to the straight path, yeah, straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace, not the way of those who earned of your anger, you know, nor of those who went astray. Allah subhanahu wa ta'ala says, this is all for my servant. Ye sab mere bande hain aur he will get whatever he has asked for. Allah subhanahu wa ta'ala always Allah subhanahu wa ta'ala has promised to accept the praise and request make in this surah.
अल्लाह सुबहान तआला ऑलवेज एक्सेप्ट, ऑलवेज क्या है, एक्सेप्ट दिस दुआ दुआ फ्रॉम दोज हु ऑफर द सलाह, है ना, रेगुलरली एंड से दिस रिक्वेस्ट. इनडीड द ह्यूमन बीइंग आर इलिटरेट, दे डू नॉट नो अबाउट सम अबाउट टुमारो एंड दे डू नॉट नो अबाउट व्हाट विल हैपन इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर. वो नहीं जानते कल के बारे में और क्या होने वाला है, है ना, इस दुनिया में. इन द कंप्लीशन ऑफ दिस सूरा वी से आमीन, इट मीन्स ओ अल्लाह एक्सेप्ट अवर दुआ. ये आप इतनी समरी लिखेंगे, मैं जहाँ से पढ़ा यहाँ से लेकर समरी, तो इसके सिक्स मार्क्स मिलेंगे आपको समरी. तो आयतों का ट्रांसलेशन बोला हमने, समरी बोली. अब क्या करो, दूसरा सूरा ही बोल दो, दोनों के क्वेश्चन आंसर मिला के बताया कल. दूसरा सूरा ही बोला, छोटा सूरा है ना ये, सूरह असर बोल दूं ये भी. चलो इसके बाद का सूरा है सूरह असर. सर सूरतुल फातिहा का उर्दू का बोलो ना सर. उर्दू में बोलूँ, अच्छी बात सुनिए. उर्दू में समरी है ये सूरह शरीफ शरीफा सबसे पहले मक्के मुकर्रमा में उस वक्त नाजिल हुआ जब नमाज फर्ज हुई, फिर दोबारा मदीने मुनवरा में तहवील क़िबला, यानी क़िबला चेंज हो गया था. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पे थे तो क़िबला चेंज हो गया, अब नमाज ही में क़िबला अपना काबे की तरफ कर लिया. पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ते थे. तो तहवील क़िबला के वक्त नाजिल हुआ हिजरत के 16 महीने के बाद. अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक मस्जिद अक्सा के बजाय मस्जिद हराम यानी काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया. इसको तहवील क़िबला कहते हैं, तहवील क़िबला कहते हैं. इस सूरे में 7 आयतें हैं. इस सूरे के कई नाम हैं जिनमें से कुछ ये हैं. एक है उम्मुल कुरान, 2 है फातिहतुल किताब, 3rd है सूरतुश शिफा, 4th सूरे सबा मसानी, 5th सूरे हम्द, 6th सूरे वाफिया और 7 सूरे काफिया. ये सब नाम हैं, हा? और सूरे कंस और 9 है सूरे असास. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने नमाज में सूरे फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज मुकम्मल नहीं हुई. और ये भी फरमाया फातिहतुल किताब हर बीमारी से शिफा है. हकीकत में ये सूरा एक बंदे की अपने रब से दुआ है और एक फ़कीर की रब गनी से सवाल है. इस सूरे में अल्लाह अज़्ज़वजल से किस तरह मांगना चाहिए सिखाया गया, कि इसमें तालीम दी गई कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तारीफ की जाए, फिर उसकी बड़ाई बयान की जाए, फिर अपना मुतालबा उसके सामने रखा जाए जो भी आप मांग रहे हैं. इंसान ये नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है और उसको इस दुनिया में क्यों भेजा गया, इसका मकसद क्या है और उसकी मंजिल क्या है. इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ऐ हम्द व सताइश वाले खुदा, ऐ रहमत व रुबूबियत वाले खुदा, हमको नजात वाले रास्ते पर चला जो अंबिया अलैहिस्सलाम सिद्दीकीन शोहदा और सालेहीन का रास्ता है. ये सब बुजुर्ग हिदायत याफ्ता नजात याफ्ता और अल्लाह ताला के इनामात से सरफराज हैं, और जो उनके रास्ते पर चलेगा और दुनिया व आखिरत में कामयाब होगा वो और नजात पाएगा. इस सूरे के आखिर में हम आमीन कहते हैं, इसके माने ये हैं ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा. ये हो गया उर्दू में समरी. उर्दू में लिखे भी तो मार्क्स मिलते हैं आप, अगर आती है उर्दू नहीं तो इंग्लिश में लिखे, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है. अब दूसरा सूरा भी सुन लो आज की क्लास में, कल दोनों को मिला के एक्सरसाइज बताया था. सूरह असर है, छोटी सूरत है, 3 आयतों वाली, और ये भी मक्के में नाज़िल हुई. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल. वल असर बाई द टाइम, टाइम यानी ज़माने की कसम खा लेना, क्योंकि ज़माना अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, पैदा किया हुआ है ज़माना अल्लाह का, इसलिए अल्लाह ताला असर के माने. उर्दू में लिखना है इंग्लिश में क्या आप जो पढ़ रहे सो द नेम ऑफ अल्लाह लिख दो इंग्लिश में, क्या मुश्किल है? द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल मुश्किल है, इंग्लिश में लिख दो. हां जी अच्छा. वाला असरी बाय द टाइम, वाला असरी के माने बाय द टाइम. मैं इस बात दोनों में बोल रहा हूँ, अच्छा समझना बच्चे को, क्यों बोल रहा हूँ दोनों उर्दू में इंग्लिश में. इंग्लिश में लिखो, आपको इंग्लिश आती ना, इंग्लिश में लिख लो. मैं समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए दोनों में बोल रहा हूँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, आपको जो ईजी है लिखो, ठीक है. इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में. उसके माने ये है वेरीली मैन इन दिस लॉस, इन्नल इंसान वेरीली द मैन लफी खुसर इन लॉस नुकसान में. इल्लल्लज़ीना आमनू
जो लोग ईमान लाए, वामिलुस सालिहात और नेक आमाल किए, व तवासो बिल हक हक पे कायम रहे, व तवासो बिस सब्र और सब्र को इख्तियार किए। ऐसे लोगों के लिए कामयाबी है जो और नुकसान नहीं है, है ना, जो ये जो अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते और नेक अमल नहीं करते, हक पे कायम नहीं रहते, सब्र नहीं करते, उन वो लोग नुकसान में, समझ आए। चलो, एक्सेप्ट दोज हु बिलीव इन इस्लामिक मोनोथिज्म एंड डिड राइटियस गुड डीड्स नेक अमल एंड एंजॉयड अपॉन ईच अदर ट्रुथ एंड एंजॉयड अपॉन ईच अदर पेशेंस। ये सिर्फ तीन तीन ही आए थे, इसमें छोटी सूरत है, वला तरीन अल इंसान अला खुसर इल्ला अल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहात वतवासो बिल हक वतवासो बिस सबर। मीनिंग तो बोल दिया मैं, ट्रांसलेशन अभी इसकी भी समरी सुन लो, यहाँ से पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में आप क्या समझने के लिए, फिर दोनों के मिला के एक्सरसाइज बताता हूँ कैसा आएगा। आज सूर्य हो जाते आप आराम से, कल आपके लेसन करता हूँ कल। हाँ, दिस सूरा, दो ही सूर्य आएंगे एग्जाम में, दो ही सूर्य रख रहा हूँ। हाँ, दिस सूरा द सूरा टेक्स इन नेम फ्रॉम द वर्ड अल असर द टाइम इन द फर्स्ट वर्स इट वॉज रिवील्ड इन मक्का इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द मिशन। दिस सूरा इन डीड makes us aware of the fact that the human caravan is especially advancing towards eternal rain only nahi likh sakte roman english mein likhe to kaat dete zero mein tha। those people can be saved from this rain who are believers and who act righteously, है ना, and who fulfill the demands of faith। this surah consists of three small verses, है ना, but in its meaning it is so deep and vast। its meaning jo hai deep and vast hai, that it not only contains the entire history of the rise and fall of humanity, but it also acts as a tower of guidance, directing the people, people, nations and communities to the right path, so that they may reach the desired destination and may not fall into the pit of destruction by following the wrong path। hai na bacche zara jaldi aana baba, abhi ye tak bhi aa rahe hain, join ho rahe hain bacche, 7:30 से क्लास है तुम्हारी, तुम कब आ रही हो, पौने आठ, आठ को दस मिनट को आ रहे हैं। द एविडेंस ऑफ टाइम थ्रू एजेस हैज बीन प्रेजेंटेड इन सपोर्ट ऑफ द कंटेंशन दैट मैन कैन नॉट एस्केप रेन इफ ही डज नॉट डेवलप इन हिमसेल्फ द क्वालिटीज ट्रू फेथ एंड राइटियस कंडक्ट। नेक्स्ट पर लास्ट पर है, वेरियस काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज आर एक्सपीरियंस इन एक्सेप्टिंग द ट्रूथ सो टू सपोर्ट इट टू स्पीक द ट्रूथ and to follow the path of truth। all kinds of sufferings have to be entered and people have to pass through storms of opposition, losses have to be borne and sacrifices have to be offered, therefore it is also necessary to have with truth patience, steadfastness, tolerance, forbearance, determination and courage। In the meaning of patience, all these things are included, and with this reference, exhortations of patience and considered necessary। ये हो गया summary। ये भी six marks। जो भी summary आती है six marks में आती है। अब इसका भी उर्दू में भी एक बार सुन लो summary। मुख्तसर तफसीर सुनिए सर। ये सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ, जो तीन मुख्तसर आयत पर मुश्तमिल। इस सूरे में अल्लाह ताला ने असर यानी जमाने की कसम खाई। इसके बाद एक अहम हकीकत बयान की है कि सारे इंसान खसारे और नुकसान में, वो सरासर नुकसान और घाटे में पड़ेंगे, क्योंकि उनकी उम्र बराबर घट रही है और जो घड़ी गुजर गई फिर उसके लौटने की उम्मीद नहीं। लेकिन इंसान है कि गफलत में पड़ा जिंदगी की कीमती घड़ियों को ज़ाया कर रहा है, इससे बढ़कर और क्या नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस अजीम खसारे से, अजीम नुकसान से महफूज रहने वाले, दुनिया व आखिरत में कामयाब होने वाले इंसान वो हैं जो अपनी उम्र के एक लम्हे को भी ज़ाय नहीं करते,
और जिंदगी में इन चार बातों को मानते हैं। वो चार बातें क्या हैं आप याद रखो और उस पर अमल भी करते हैं। नंबर एक है ईमान। नंबर एक क्या है? ईमान। नंबर दो है अमल साले, गुड डीड्स। नंबर तीन है हक की तबलीग। नंबर चार है सब्र की तलकीन। ये सूरे में चार बातें मतलब। पहला क्या बोला? ईमान। ईमान। दूसरा क्या बोला? अमल साले। नंबर तीन हक की तबलीग। नंबर चार सबर की तलखीन। मतलब चार बातें ये सूरह में मालूम हुई। ये सूरह में सूरह असर में ईमान लाना, ईमान लाने के बाद अमल सालेह करना, नेक अमल करना। नंबर तीन हक की तबलीग करना, यानी अल्लाह एक है तबलीग करना। नंबर चार सबर करो ना लोग, आप भी सबर करना, लोगों को भी। जो शख्स अल्लाह ताला को माने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल जाने, कुरान मजीद उसके सारे अहकाम की सच्चाई पर यकीन रखे, वो मोमिन यानी ईमानदार है। समझे? जो शख्स अल्लाह को माने उसका रसूल जाने और कुरान मजीद उसके सारे अहकाम की सच्चाई पर यकीन रखे, वो मोमिन है यानी ईमानदार है। कामयाब जिंदगी के लिए ईमान के साथ अमल सालेह भी जरूरी है। कामयाब जिंदगी गुजारना है तो ईमान ला लेना काफ़ी नहीं है। ईमान लाने के बाद नेक अमल करना, नमाज़ें पढ़ना, कुरान, रोज़ा, हज, ज़कात सब जरूरी है। ईमान और यकीन का असर इंसान की अमली ज़िंदगी में होता है, ज़ाहिर होना चाहिए यानी प्रैक्टिकल लाइफ में। मोमिन का बहुत बड़ा काम यह है कि ईमान और अमल सालेह की शक्ल में, ईमान और नेक अमाल की शक्ल में जिस हक व सदाकत को उसने पाया है उसको अपने पास छुपा के ना रखे, बल्कि जहाँ तक हो सके दूसरों तक पहुँचाए। हक व सदाकत के माने उस पर जमा रहने और उसको फैलाने की राह में बड़ी बड़ी दुश्वारियाँ, बड़ी बड़ी तकलीफें पेश आती। मोमिन का फ़र्ज़ है कि खुद भी उस राह की सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करे और दूसरे भाइयों को भी बर्दाश्त की नसीहत करे और तरगीब दे। ये मुख्तसर सूरा इस बात को जाहिर करती है कि हिम्मत उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी, उसका तशख्स यानी पर्सनालिटी और मकसद वजूद ही यह है कि वो नेकी की आलमबरदार हो। मतलब नेकियां नेकी करो बोलते हैं ना, अपन भी करना, लोगों को भी नेकी का हुक्म देना, और जो लोग एक दूसरे को नेकी की तलखीन करें और बुराई से रोकें और नेकी की राह चलने में जो मुश्किलात पेश आएँ उनके मुकाबले में सब्र व इस्तिकामत दिखाने की नसीहत और तलखीन करें। यह है सूरह असर की समझ। दोनों सूरह जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं मिड टर्म में 1 जनवरी को पढ़ा दिया, इसके एक्सरसाइज का साथ है। समरी तो बता दिया हमें, समरी 6 मार्क्स में आती, अब एक्सरसाइज लास्ट में इसके लिए। यहाँ सूरह फातिहा और सूरह असर, ठीक है। अब रेफरेंस आता, देखो समरी भी आती है, रेफरेंस कैसा आता, गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्स बोल के एक आयत देते, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन से सूरह की आयत है ये? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आयत वखिजत मीन सूरह फातिहा, इतने लिखना 3 मार्क्स मिलते हैं। हाजिल आयतु बोलते दिस वर्स, वखिजत इज टेकन फ्रॉम सूरह फातिहा, मीन बोलते फ्रॉम सूरह फातिहा, पहचान लेना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालूम है आपको सूरह फातिहा की है। हाजिल आयतु वखिजत मीन सूरह फातिहा, समझ में आ गया। फिर और एक सूरत है सूरह असर की, इन्नल इंसान लफी खुसर, यह आया या दूसरी सूरत आई तो दूसरी आयत आई तो क्या लिखना? हाजिल आयतु वखिजत मीन सूरह असर, सूरह असर खत्म। दोनों सूरह पढ़ा दिया, दोनों सूरह के रेफरेंस। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी आते कभी। अय्यू सूरा मिनल कुरान करीम मशहूर उम्मे कुरान, कौन सी सूरत मशहूर है कुरान करीम में? अब बोलना सूरह फातिहा मशहूरतुन बिल उम्मे कुरान, सूरह फातिहा मशहूर है कुरान में, है ना। ये सूरह फातिहा का अगर 2 मास में आया तो ऐसा आता, अय्यू सूरतुन मिनल कुरान मशहूरतुन बिल उम्मे कुरान, बोलते आप सूरह फातिहा मशहूर कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। सूरह को ये एक क्वेश्चन है सूरह असर का, हमें पढ़ाया ना सूरह मन फी खुसरीन मीन्स हु इज इन लॉस, नुकसान में है। अल इंसान फी खुसरीन, कौन नुकसान में है? इंसान। कौन नुकसान में है? अल इंसान फी खुसरीन, इंसान नुकसान में है। ये दो क्वेश्चन 2 मार्क्स के, पहले 2 रेफरेंस 3 मार्क्स के थे। थर्ड बिट समझ नहीं आई सर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन?
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फिर से बोलो ना सर प्लीज. अय्यु सूरतिन मिनल कुरान मशहूरतुन बि उम्मिल कुरान व्हिच सूरा इज फेमस इन द नेम ऑफ कुरान. कौन से सूरा कुरान में मशहूर है? बोलतुल अपन लिखना सूरतुल फातिहा मशहूरतुन फेमस सूरह फातिहा इज फेमस बि उम्मिल कुरान के नाम से. उम्मिल कुरान के नाम से सूरह फातिहा मशहूर है. सूरह फातिहा को उम्मिल कुरान भी कहा जाता है. एक हो गया. अब ये बड़ा क्वेश्चन तो ये तो नहीं आता. उसकुर बाद अस्मा मशहूर सूर्य फातिहा अगर आया तो लिख देना. बाजुल अस्मा मशहूर इतने बड़े आंसर क्वेश्चन नहीं थे. सूर्य फातिहा उम्मुल किताब तो नामा पूरे फातिहतुल किताब सूर्य शिफा सूर्य हम सूर्य वाकिया काफी नामा लिखना. ये बड़े क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, छोटे आते. उसके बाद में मन फी खुसरीन जो सूर्य असर पढ़ाया ना मन फी खुसरीन बताओ हु इज इन लॉस. हु इज इन लॉस अल इंसान फी खुसरीन इंसान लॉस में है. पेज नंबर 50 पे है क्वेश्चन आंसर रेफरेंस. और शॉर्ट आंसर में अगर आए समझो तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड. कम आयतन फी सूरतुल फातिहा क्या माने कम आयतन फी सूरह फातिहा. हाउ मेनी वर्सेस इन सूरह फातिहा. हां सबा लिखना सबा. व्हाट द मीनिंग ऑफ सबा. सबा के माने क्या है? सबा के माने क्या है? सेवन. सेवन खाली वन वर्ड है. कम आयतन फी सूरह फातिहा बोलते सबा. अच्छा मन हुआ मालिकी उम्मीदीन के माने क्या है? मन हुआ मालिकी उम्मीदीन वन वर्ड आंसर. अल्लाह कौन है मालिक? हु इज द ओनर ऑफ डे ऑफ जजमेंट अल्लाह. उसके बाद में कौसर का छोड़ दो नहीं पढ़ाया ना समझ भी छोड़ दो. ये आता मन फी खुसरान मन हुआ फी खुसरान अल इंसान. कौन नुकसान में है? इंसान है क्योंकि जो ईमान नहीं लाए कुफार है मुशरिकीन है वो नुकसान में. समझ में आ गया इन्नल इंसान डैश में इंसान आप बना रखिए. मालिकी यौमिद्दीन है यौमिद्दीन या का नाम दो. अगर डैश से बनना है तो डैश से फिर आप कर देना आयत मालूम है ना याद देना. वतवासो बिलहक वतवासो बिसबर इन्ना शाने का वर्क था. ये एक्सरसाइज है. तो दो सूरे जो मिटअप में आने वाले हैं सूरह फातिहा सूरह असर में पढ़ा दिया. कल आपको क्या करेंगे लेसन पढ़ा दी दो लेसन भी पढ़ा दी. समझ में आया? बोलो सर एग्जाम में हम कौन सा आंसर इंग्लिश में लिखना है कौन सा अरबिक में लिखना है बोल दीजिए सर. देखो बाबा आप पेपर पैटर्न पूरे सर कल पूरी चीज हम मार्क करा दो ना. पेपर पैटर्न तो नहीं समझा पूरी चीज. बोलो कल जो भी एग्जाम में आने बताऊं एग्जाम्स में आने वाले हैं वो जरा मार्क करा दो ना सर कल. अच्छी बात है करा देता. देखो ऐसा पेपर आता पेज नंबर 177 पे मॉडल पेपर है. देख लो 177 मॉडल पेपर ऐसा आता पेपर समझे. पहले दो वर्ष लिखना पड़ता अरबी में फिर सिर्फ समरी इंग्लिश में लिखना है तुमने बाकी का पूरा पेपर अरबी में करना है. सेकंड क्वेश्चन में जो पोएम की समरी है वो इंग्लिश में लिखना है. थर्ड क्वेश्चन में राइट द समरी ऑफ द लेसन इज नॉट लेस देन नॉट देन 100 वर्ड्स इन योर ऑनलाइन लैंग्वेज इंग्लिश में. ये समरी दो समरी इंग्लिश में बाकी के फोर्थ बीट अरबी में फर्स्ट बीट वर्सेस अरबी में लिखना है. फोर्थ बीट में आंसर अरबी में लिखना है. फिफ्थ भी अरबी सिक्स भी अरबी सेवन भी अरबी एट नाइन टेन एलेवन भी अरबिक है. सब अरबी लिखने का है. थोड़ा सा कितने बिट्स रहते सर? क्या बोले मिड टर्म के एग्जाम में कितने बिट्स देते सर अरबिक में? 16 बिट है पूरे रख देंगे क्यों बोलते. मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ ना पूरा पढ़ा के ग्रामर भी दे रहा हूँ है ना और सूर्य भी दे रहा हूँ लेसन पोएट्री और मतलब दो दो ज्यादा नहीं दो 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 पोएट्री दो लेसन दो सूर्य सिर्फ दो सूर्य आज पढ़ाया और इसके बाद दो लेसन कल पढ़ाऊंगा वो दो लेसन फिर दो पोएट्री पहली दूसरी अल्लाहुम्मई तलाल बदर फिर दो नाइटेल फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद में क्या है बस इतनी चीजें आएंगी समझे. तो पेपर ऐसा आता ग्रामर आया थी पूरा अरबी में करना है खाली समरी आपको लिखना है इंग्लिश में और ये लास्ट का है ना ये ट्रांसलेशन इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं इस पर अरबी में करना. द बुक इज ऑन द टेबल अल किताबो अदल मकतबी अरबी में लिखना. हामिद इज एन इंजीनियर हामिद मुहंदिस पढ़ाया ना इससे पहले हम. दिस इज ए न्यू पेन आजा खलमु जदीदुन 2022 उलाइका औलादुन ही इज ए बैंक मैनेजर तो हुआ मुदिरुल बैंक. सिर्फ इसको अरबी में पूरा पेपर अरबी में करना है. एक्सटेंसिव समरीज पेपर 177 पे है. बच्चे जो नहीं जानते वो ये पेपर को अच्छा देख लो आपको मालूम हो जाता पेपर कैसा आता क्या है.
वो अच्छा देख लो, तो दो दो रखेंगे हम, दो दो लेसन, टू लेसन टू पोयम, ये याद रखो आप। फर्स्ट जनवरी को जो मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें सिर्फ टू सूरे, टू लेसन प्रोस के और टू पोएट्री, फर्स्ट टू, सब फर्स्ट टू है ना, और टू नॉन डिटेल, चार नॉन डिटेल के लेसन है उसमें से दो नॉन डिटेल के लेसन और दो दो ग्रामर के लेसन, दो या तीन, बस ये है मिड टर्म, यानी हाफ पोर्शन। मिड टर्म में क्या है, हाफ पोर्शन देना। तो आज दो सूरे में कंप्लीट कर दिया, फिर कल क्या करता हूँ, दो लेसन, अगर एक लेसन हुआ क्लास में एक पढ़ाएंगे, फिर परसों एक खत्म कर जाता, तो ये वीक में सूर्य भी हो जाते हैं, लेसन भी हो जाता। पोएट्री नहीं पढ़ाया इससे पहले आपको, पोएट्री पढ़ाया हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक अभी है ना फर्स्ट जनवरी पर, फिर और एक इसके बाद का वीक भी मिलता, उसे पोएट्री पढ़ा देंगे, फिर वो दो पोएट्री दे देंगे आप। तो ये मिड टर्म की तैयारी तो आप अभी से शुरू कर दो, जैसा मैं सूर्य पढ़ा दिया, सूरों की समरी याद कर लो, दोनों सूरों की, सूर्य फातिहा, सूर्य असर, क्वेश्चन आंसर बताया मैं आपको, रेफरेंसेस बताया, ये सब कल याद करो, घर में याद करके प्रैक्टिस करो लिखने की, क्वेश्चन आंसर को अरबी में लिखने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश में समरी याद करके लिख लो, जो दो सूरों में क्या क्या आते बोला, हमें समरी आती और रेफरेंस आते और टू मास आंसर्स, वन वर्ड आंसर, समझे, इतनी चीज़ें आती। तो ये सूर्य जितने पढ़ाया उसमें एक्सरसाइज देख लो, फिर लास्ट में एक्सरसाइज है, उसके बाद में लेसन पढ़ाता हूँ कल, दो लेसन, कल एक हुआ तो एक, फिर परसों एक, कल प्रोज हो जाता, नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीक में पोएट्री खत्म कर देंगे। नाइन डिटेल तो पढ़ा दिया मैं ऑलरेडी, नहीं पढ़ाया नाइन डिटेल, पढ़ाया ना नाइन डिटेल, पढ़ाया ना मैं आपको, एक बार पढ़ा दो सर, नाइन डिटेल पढ़ा दिया, ग्रामर भी पढ़ा दिया, तीन लेसन उसी में से दे देंगे, जितना पढ़ाया उसमें से, जितना पढ़ाया उससे मैसेज आप पाएंगे, दो 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 याद, टू टू लेसन ओनली, टू लेसन, टू पोएट्री, टू नाइन डिटेल, टू ग्रामर, टू और थ्री ग्राम, इतने इसमें से आएंगे। अगर पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनाएंगे और वो आप आराम से ऑनलाइन उसको एग्जाम लिखना, और वो फर्स्ट जनवरी को रहेगा, फर्स्ट जनवरी। अब इंग्लिश इंग्लिश का कब है वो मालूम कर लेंगे मैडम से, अथरा मैडम से, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट आप मालूम कर लीजिए। हमारा तो जो है फर्स्ट जनवरी को मिड टर्म एग्जाम होगा, 2 to 5 की टाइमिंग दे रहे हैं उसके, उससे पहले मैं पूरा पढ़ा के आप अच्छा रिविजन कर लो उसका, अच्छा याद कर लो, घर में प्रैक्टिस करो, उसी के अंदर से आप पाएंगे, ठीक है। टाइम खत्म होने आ रहा क्लास का, 8:10 अभी हो रहा था, 2 मिनट है, कुछ डाउट है और तो पूछिए। पेपर पैटर्न पूरा आपको अरबी में रहता, सिर्फ समझ ही आपको इंग्लिश में रहता सर जी, सर नॉन डिटेल एक बार पढ़ लीजिए, क्या बोल रही है, आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहे, नॉन डिटेल एक बार पढ़ाइए, नॉन डिटेल पढ़ाना, यस सर, तो अभी तो प्रोज खत्म करेंगे यहाँ कल, उसके बाद नेक्स्ट वीक पोएट्री, फिर टाइम रहा था नाइट डेली पढ़ा दी, बस सिर्फ दो दो रख रहा हूँ मैं, बस टू लेसन टू, दो सूरे, दो लेसन, दो पोयम, स्टार्टिंग कैसे, बस क्या बोले, पोर्शन में जो जो आता है कल है ना मार्क करा दो ना, अच्छी बात है करा देंगे कल, बोल दिया ना मैं, अब याद रख लो, बस टू सूरे, सूर्य फातिहा, सूर्य असर और फर्स्ट टू पोयम, सूर्य क्या है अल्लाह मई तला बद्र ना, और टू लेसन हमारे नबी अल किवार, और टू जो है नाइट एल बीबी खतीजा रजी अल्लाह अन्हा मलिक सबा शेबा, सर ग्रामर खतीजा रजी अल्लाह अन्हा पढ़ाया ना मैं नाइट एल पढ़ा, यस सर, ग्रामर के पार्ट में फर्स्ट क्या है वो कलमा अक्सामुहा, मुदक्कर